पर भी जा सकते हैं, लेकिन आम इंसान नहीं जा सकते हैं। और चार चक्का है और काफ़ी अद्भुत है। वीडियो जरा सभी स्किप मत करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और हम्पी का जो हिस्ट्री भी है वो मैं बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनना, अगर कुछ गलती मैं बोल दिया हूँ तो क्षमा करना। हम्पी दक्षिण भारत के एकमात्र पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है जो हिंदुओं का एक विशाल साम्राज्य था। संस्कृत में विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था। हम्पी राजधानी बनने से पहले विजयनगर एक पवित्र शहर था। तुंगभद्रा नदी के किनारे 1600 से अधिक पवित्र मंदिर थे। हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार तुंगभद्रा नदी के आस पास वानर साम्राज्य था। रामायण से जुड़ी कहानी आज भी मिलती है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य का स्थापना किए थे। 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय ने शासन की और देखते ही देखते विशाल साम्राज्य बन गया और लगभग यहां 5,00,000 से अधिक लोग रहने लगे। कृष्णदेव राय मरने के बाद दिल्ली के मुस्लिम शासक नासिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने हम्पी पर हमला किए और पूरा मंदिर तोड़ा और हिंदुओं को बेरहमी से गला काटकर पूरा हम्पी पर कब्जा कर लिया। तो राधे राधे सीताराम, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। झारखंड टू ऑल इंडिया से कलात्रा में स्वागत है। तो अभी मैं हूँ हम्पी में और हम्पी में ओल्ड प्लेस में विजिट कर रहा हूँ जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। तो अभी मैं विजिट करने वाला हूँ सबसे पहले सुग्रीव गुफा। तो जी हाँ, ये रहा सुग्रीव गुफा। और अंदर विजिट करने से पहले आप सभी को दर्शन में करवाता हूँ भगवान श्री राम के पदचिन्ह और भगवान लक्ष्मण के पदचिन्ह। तो जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है लक्ष्मण भगवान के पदचिन्ह और ये प्रभु राम जी का पदचिन्ह है और इसी के सामने सुग्रीव गुफा है। तो चलते हैं गुफा की ओर। और गुफा एंटर करने से पहले आप सभी को कुछ और दिखाता हूँ। आप तो ये रेखार देख रहे हैं, बहुत दूर से उधर रेखा आ रही है और ये रेखार सीधे जा रही है सुग्रीव गुफा में। ऐसा माना जाता है कि जब रावण सीता माता को ले जा रहे थे हरण करके, उस समय सीता माता के पल्लू इधर से घिसाया था और उसी का रेखार ये है और ये रेखार सीधे गुफा के अंदर जाती है। तो चलते हैं गुफा के अंदर। और गुफा अंदर जाने से पहले यहाँ पर कुछ लिखा गया है, आप सभी पढ़ लेना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और कन्नड़ में भी है। तो चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं सभी अपना अपना मन्नत मांगते हैं, एक पर एक पत्थर रख देते हैं। तो चलते हैं गुफा के अंदर। और गुफा के अंदर जाने से पहले एक छोटा सा गुफा यहाँ पर है, ये रहा गुफा और ये रहा मेन गुफा और ये धारी अंदर गुफा के अंदर जाती है। वाह। और ये रहा मेन गुफा, ये रहा मेन गुफा अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं एक पदचिन्ह है भगवान श्री राम का और लक्ष्मण जी का और वहाँ पर बैठने वाला है और वहीं पर बैठकर भगवान सुग्रीव और भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण और उनके पूरा सैनिक वहीं पर बैठे हुए थे। और जो मेन गुफा का जो वहाँ पर सभी सभा होता था सुग्रीव भगवान का, वो बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सांप उफ निकलते रहते थे, इसी चलते सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया। गुफा का मान्यता है कि यहीं पर सुग्रीव भगवान श्री राम को माता सीता के जो कंगन थे वो यहाँ पर दिखाए थे कि यह कंगन मुझे मिला है। तो भगवान श्री राम पहचान ही लिए थे कि यह कंगन माता सीता की है। तो यहीं से स्टार्ट होता है भगवान श्री राम और सुग्रीव का मिला। तो अभी मैं आ चुका हूँ गुफा से बाहर और मैं भी यहाँ पर कुछ मान्यता मांग कर और रख देता हूँ। वाह, मैंने 5 पत्थर एक पर एक रख दिया, ये मैंने बनाया। तो अब यहाँ से निकलते हैं और यहाँ लगभग आधा से पौन घंटा मैं रेस्ट किया। अभी मेरा दोस्त नीरज फ़ोन किया था, उनसे बात किया, काफ़ी अच्छा लगा। वो बार बार फ़ोन करते रहते हैं, काफ़ी प्यार मिलता है, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि काफ़ी धूप है। तो यहाँ से निकलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना और भाई को भी सपोर्ट करो करो। जो पीछे देख रहे हैं ये सीता झील है। अभी ना रास्ते से जा रहा था
तभी एक यूनिक पेड़ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं। कुछ अनुभव किए, एक पेड़ है, एक हाथ है और ऐसा लग रहा है बीच में सर है हनुमान के, काफ़ी अजीब है। इसी वजह से सोचा क्यों ना वीडियो में दिखा देते हैं आप सभी को भी। तो अभी मैं विजया विठला टेम्पल में इंटर कर चुका हूँ और ये रहा टेम्पल, ये पीछे का बैकग्राउंड है, आगे उधर है। तो मैं अभी पीछे आया हूँ क्योंकि 10-15 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ बनाने के लिए। तो आप सभी को मैं कुछ यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, और आपके पास 50 रुपये का नोट है तो निकाल लेना और कुछ दिखाता हूँ। तो ये मैं 50 रुपये का नोट निकाल लिया हूँ और इसके पीछे एक फ़ोटो होगा, पीक होगा, ये है लिखा हुआ हम्पी लिखा हुआ है। जो ये पीक है ना, ये फ़ोटो आप सभी को दर्शन करवाते हैं लाइव, और इस फोटो का नाम है अष्टोन चरूट। तो आप सभी के सामने मैं दिखाता हूँ और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और शायद आप सभी भी एक्साइटेड होंगे। तो दिखाने से पहले अपना पैसा अपने पास रखना और ध्यान से देखना कि वही फ़ोटो है या कोई और फोटो है। चलते हैं। ये रहा एंट्री गेट, और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है लेकिन फ़ोन से आप शूट कर सकते हैं, और आप सभी को मैं दिखाता हूँ यहाँ से। नहीं सर, हम अपने सिंगल हैं। तो आप यहाँ पर गाड़ी मिल जाएंगे, पूरा डिटेल बता देंगे। तो ये रहा, आप अपना 50 रुपये के नोट में मिला लीजिएगा, और इसे देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से। अष्टोन चरूट, ये चक्का है, इसके अंदर नहीं जाना है नहीं तो पुलिस वाले बोलेंगे। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाया गया है, चार सीढ़ियाँ हैं, और ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन आम इंसान नहीं जा सकते हैं, और चार चक्का है और काफ़ी अद्भुत है। सोचा नहीं था कि मैं भी यहाँ आकर देखूँगा, लेकिन आप सर के प्यार आशीर्वाद से मैं आ चुका यहाँ पर देखने के लिए। तो अब यहाँ से निकलते नहीं हैं और आसपास प्लेस विजिट करते हैं, और इसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि शाम के बज चुका है 3 और आर प्लेस घूमना भी है। देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पर टूरिस्ट। इस अष्टोन के आगे ये मंदिर है, और ये मंदिर अभी रिपेयरिंग हो रहा है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ नोटिस दिया गया है। तो अभी मैं आ चुका हूँ कल्याणा मन तप्पा, और कुछ इस तरह है, काफ़ी अच्छा कलाकृतियाँ हैं यहाँ का। ये महल का बीच का है जी, यहाँ के बारे में उतना डिटेल नहीं पता है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हम भी आइए, यहाँ पर आइए, आपको गाइड मिल जाएगा और पूरा डिटेल बता देगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक स्थान पर जहाँ खंभों में कुछ आवाज़ सुनाई देता है, तो वही मैं सुनने जा रहा हूँ, और आप सभी को वो सुनाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता। तो मैं इंटर कर चुका हूँ अंदर। हाँ, तो ये रहा ये खंभा, आवाज अलग अलग है, सेम आवाज। साउंड डिफरेंट ना, तो कोई साउंड डिफरेंट नहीं है, सेम निकल रहा है। ऐसा मान जाता है कि शायद अलग अलग साउंड निकलता है या कुछ सुनाई देता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सुनने के लिए, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है मुझे, पता नहीं। सेम साउंड, नो डिफरेंट।
तो पता नहीं क्या यहाँ का मान्यता है, लेकिन जो भी है मस्त है। और पीछे भोजन कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ विजय विठला टेम्पल के अंदर, और ये रहा एंट्री गेट, इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या है। तो एंट्री गेट ये रहा, और इंटर हो चुका हूँ मैं, और अंदर कुछ इस तरह है। और काफ़ी लोग आए हैं बाहर से, अलग अलग कंट्री से, और हम झारखंड से, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। और चश्मा उतारना पड़ेगा क्योंकि अंदर अंधेरा है पूरा, प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू। कुछ नहीं पढ़ना, तो चलते हैं इधर। बहुत सारा प्लेस है घूमने के लिए। आप घूमने के लिए आपके पास क्षमता चाहिए। वाह। तो अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के एक अपार्टमेंट में जहाँ अंधेरा है, और ये रहा मेन मंदिर। लेकिन मेन मंदिर के अंदर मूर्तियाँ नहीं था, और ये शायद पानी निकलने के लिए, क्योंकि जब मंदिर में पूजा होता था तो जो पानी मंदिर से निकलता था इधर से, तो इस नाले से बाहर निकलते थे। और काफ़ी अंधेरा है। वाह, लगता मुझे दूसरा मोबाइल का फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। अभी दोनों मोबाइल का फ्लैश ऑन किया तो इतना पता चल रहा है, काफी अंधेरा था। और इसका मंदिर का जो नक्काशियाँ ना, काफी अद्भुत है। अगर आप यहाँ पर आएंगे अपने आंखों से देखेंगे तो मजा आएगा। और जो मुझे मजा मिला ना, जो मुझे मजा आया, वो मैं फिल्म में खुद कर रहा हूँ। तो निकलता हूँ बाहर यहाँ से। इधर से गया था और इधर से मैं निकला। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, दूसरा प्लेस में विजिट करने वाला हूँ। और यहाँ का नक्काशियाँ ना, यहाँ तो अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि अभी काम चल रहा है, लेकिन इसका अंदर का नक्काशियाँ देखिए काफ़ी खूबसूरत है। और दो चार महीने में से एक साल के अंदर ये बन जाएगा अच्छा से, दे सकते हैं। मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ आप सभी को। वाह, अद्भुत अद्भुत कलाकृतियाँ। कितना बारीकी से कलाकृतियां किया गया है, यहाँ भी देख सकते हैं। वाह, देख सकते हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, अभी मैं विजय विठला टेम्पल से आ चुका हूँ बाहर। ये रहा टेम्पल, और अभी मैं जाने वाला हूँ आगे देखने के लिए। और ये ना उस समय का साथ ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट हो, उस समय यहाँ पर सब्जी उब्जी बिका करता हो, उस तरह का यहाँ का बनाया गया है। अभी तो ये गिरा गया था, यहाँ का सरकार थे वो मरम्मती कर रहे हैं इसी से। तो जो ये मार्केट है ना, ये मार्केट है, और इस मार्केट का नाम था विठल मार्केट, विठल बाज़ार भी बोल सकते हैं आप। तो अभी मैं इंटर करने जा रहा हूँ, और इंटर करने से पहले ना यहाँ पर शायद हर पत्थर में नाम लिखा गया है कि कौन कौन सा नंबर का पत्थर है, क्योंकि मरम्मती हो रहा है ना इसके चलते। देख सकते हैं सभी नाम है लिखा गया। और ये रहा वो टेंपल, यहाँ पर तो कोई नहीं है हमारे अलावा, और भगवान भोलेनाथ के अलावा। तो चश्मा उतारते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। और अंदर जूता पहन के जा सकते हैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मूर्तियाँ नहीं हैं, और कुछ इस तरह है यहाँ पर। वाह, पहले ना सबसे पहले ये शिव मंदिर था, लेकिन
कुछ दिन के बाद ये विष्णु मंदिर भी कहा जाने लगा, लेकिन अंदर बंद है और अंदर देख सकते हैं चमगादड़ है, चमगादड़ यहाँ पर है। अभी ना 2-3 में चमगादड़ उठते हुए देखा, यहाँ ना कोई नहीं है इसलिए डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। इधर क्या है, हाँ माँ गुफा उफा तो नहीं है, नहीं जाएंगे, सिंगल है, नहीं जाएंगे अकेले, तो निकलते हैं यहाँ से। ऊपर का नकाशी ना ऐसे कमल का फूल है ना वैसा यहाँ पर दर्शाया गया। तो वीडियो ना काफ़ी लंबा होगा, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे घूमने का। आप लोगों का कैसा अनुभव हो रहा है, आप लोग का अच्छा लग रहा है वीडियो कि नहीं, मुझे नहीं पता। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो ना उस समय का ये विठला मार्केट हुआ करता था, जो काफ़ी बड़ा मार्केट था, और यहाँ पर ना आप देख सकते हैं ये भी मार्केट है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पत्थर ऊपर रखा गया है। आप सभी को कुछ दिखाया तो है ही नहीं, आप देख सकते हैं सिर्फ जितना ही पत्थर है ना ये रखा गया है, जोड़कारी नहीं है। इस पत्थर पर रखा गया है, इस पत्थर पर इसको रखा गया है, लेकिन जोड़कारी कहीं पर भी नहीं है, देख सकते हैं बस एक पर एक रखा गया ही है खम्भा। अद्भुत है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक होगा सारा गिर जाएगा नीचे, लेकिन गिरेगा नहीं क्योंकि इंजीनियर का कमाल है भाई। अरे ये भी सेम उसी तरह है, ये तो पूरा गिरा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ बना रहे हैं, ये पूरा गिरा हुआ था, देख सकते उधर अभी खड़ा कर रहे हैं जो पोल है उधर। पता नहीं मैं कैसा ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा भी आता है मुझे, मैं बोल रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ भी।